सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लो फिर हम चल पड़े आपको ले एक नए तीर्थ के रहस्य की ओर। उद्देश्य केवल आपको तीर्थ का परिचय देना। कहते हैं कलयुग में तीर्थ दर्शन का अर्थ है ईश्वर के अप्रत्यक्ष दर्शन करना, जहां समय समय पर साधना के लिए आकर्षण का केंद्र रही यही भारत भूमि। रहस्यों से भरा रहा हिमालय, हजारों गुप्त साधक आज भी गुप्त रूप से इन कंदराओं में रह रहकर सत्य की खोज में लगे हैं। बस हम भी ईश्वर के दर्शन की तरफ। ईश्वर की चमत्कारी रचना है पहाड़, कितना सुकून, एकाकीपन, खामोशी, चारों तरफ है शुद्ध हवा। शहरों में कहां है ऐसी हवा और ऐसी शांति। चारों तरफ पेट्रोल का धुआं, गाड़ियों का शोर, बिना बात के बजते हॉर्न मन को बेचैन कर देते हैं। ये है शहरों की मुश्किल। तब लोग इनसे निजात पाने के लिए छुट्टियों में निकल पड़ते हैं ऐसे प्रदेशों में, एक आंत की तलाश में, प्रदूषण से दूर, ताजी हवा में सांस लेने, सुकून की तलाश में। शुरू से बस हम भी पुण्य अर्जन और सुकून के लिए बढ़ चले। सड़क के दोनों ओर गुजरते घरों की कतारें, यहां कैसे रहते होंगे यहां के रहने वाले, कैसा कटता होगा इनका समय, भाई किससे विचार विमर्श करते होंगे, बड़ी सारी कहानियां होंगी इनकी। पहाड़ों को पार करने के लिए बनाया ये लोहे का पुल यहां की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। चंबा से करीबन 20 किलोमीटर एक इलाका है कादुल खाल,
ये जगह बड़ी नजदीक है। आकाश में उठते ये बादल अपनी ऊंचाई का एहसास करा रहे हैं। घाटियों में बहती माँ गंगा की अविचल धारा सफर पर रहने वालों को धन्य कर रही है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा स्वर्ग का नजारा। गुरुजी कहते हैं गजब चढ़ाई गजब की ठंड, आज किस दिशा को हम? ये जो है माँ का रूप है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दो दिन पहले कहानी बताई थी, भगवती के शरीर के टुकड़े विष्णु जी द्वारा घेरना। जी जी, ठीक है। तो विष्णु जी द्वारा जो भगवती के टुकड़े घेरे गए थे, अगर उनमें से हम जाएं तो सुरकंडा देवी पर भगवती का सिर गिरता। जी, भगवती का सिर गिरता, यानी कि वहां पर जो दर्शन है वो भगवती के मुखमंडल के दर्शन है शिला रूप में। ठीक। और उससे आगे यानी कि मुख के अंदर शक्ति है, प्राण है, जैसे ज्वाला जी के अंदर जिह्वा गिरती है, जिह्वा में हमारी वाणी है, ब्रह्म है, सब कुछ है, तो सबसे बड़ा शक्तिपीठ मानते हैं ज्वाला जी को। जी। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ गर्दन गिरी है। जी। नैना देवी में जैसे नैन गिरे हैं। जी, जी। और एक कुरुक्षेत्र में वहाँ एड़ी गिरी है, ठीक है, कुंजा देवी में ब्रेस्ट गिरा है। जी। और कंठ वहाँ गिरा है, तो उसमें भद्रकाली में, ऐसे 52 जगहों पे अलग अलग जगहों पर अंग गिरे हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। जी। और अब आते हैं हम चंद्रबदनी। जी। चंद्रबदनी मंदिर पे जब जाओगे, बहुत ऊंचाई पर ऐसे गोल मंदिर है, वो देखो। जी जी जी। ये मंदिर जो है आपको सुरकंडा देवी का मिलेगा। जी। ठीक है। और अगर चंद्रबदनी जाओगे तो गोल है एकदम और ऊपर सफेद है, पर उस मंदिर का वहां पर क्या गिरा है, माँ का गर्दन का नीचे का धड़। इसलिए जो पुजारी लोग हैं उस धड़ को पर्दे में संभाल के रखते हैं। जी। उस धड़ के दर्शन नहीं कराते। जी। यहाँ तक कहा जाता है कि जब पंडित अंदर जाता है तो वो भी आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाता है, ऐसा कहते हैं, माँ के धड़ के दर्शन साक्षात रूप में नहीं कराते। जी। मैंने आपको कथा बताई थी ना कि किस तरह से भगवती ने अपना देह त्यागी, क्यों त्यागी, और विष्णु जी ने शिवजी द्वारा उठाए हुए भगवती के अंगों को किस तरह काट काट के 52 जगह में घेरा। वो बोलते हैं 52 शक्तिपीठ। तो 52 शक्तिपीठों में ये गर्दन है, और जब हम चंद्रबदनी में जाएंगे वहां मिलेगा धड़। चलो चलते हैं सुरकंडा। मंदिर जाने के रास्ते में कुछ लोग मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद बेचते हैं। तीखी चढ़ाई है, बस सीढ़ियों के साथ होती है शुरू। माँ का झंडा लहर लहर कर माँ की महिमा गा रहा है। माँ का रास्ता, बोर्ड नुमा गेट, शहर को धीरे धीरे हम नीचे छोड़ते जा रहे हैं। सुरकंडा
सुरकंडा में चढ़ाई के लिए नीचे कद्दूखाल से ऊपर चोटी तक सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियां खत्म होने के साथ ढालनुमा पक्का रास्ता चढ़ाई काफी खड़ी है। और जगह जगह लोगों के आराम के लिए व्यवस्था है। जो लोग पैदल जाने में सामर्थ्य नहीं है उन लोगों के लिए खच्चरों की व्यवस्था, अमूमन खच्चर का खर्चा 400 रुपए होता है। हमारी मंजिल साफ दिखनी शुरू हो गई। लोग चढ़ाई कर रहे हैं, युवा मां से मिलने को तेजी से जा रहे हैं। ये लोग बाजार से मालाएं और पूजा का सामान ले रहे हैं। ये दुकानें गवाह हैं कितने लोग गुजरते हैं यहां से। पर अभी तक बर्फ जमी है। यह कतारें पहाड़ों की सोचने को मजबूर करती हैं। यह कौन चित्रकार है ऐसे रंग बिखेर कर नजारे बना रहा है। ये वृद्ध स्त्री भी अपनी जगत जननी के पास लेके गई कुछ अपनी फरियाद, मांगने माँ से जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। कहते जो कोई ना दे वह दे, जहां सब कोई ना सुने तब सुने वो हमारी, जब अपने धोखा दें तब वो संभालती है। जब जब सहारे हो जाएं खत्म तब वो बनती है सहारा हमारा। ऐसी है माँ हमारी तो क्यों ना करें फरियाद। आ गया दरबार माँ का। बस रह गई कुछ सीढ़ियां। घंटी बजाकर लोग माँ को अपने आने की सूचना दे रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई है 10,000 फीट। ये एक क्षेत्र के वास्तविक और लाक्षणिक दोनों रूप में सर्वोच्च स्थलों में से एक है। यहां से हिमालय दर्शन का अद्भुत नजारा दिखता है। जैसे कथा है, शिव भोले के अपने ससुर राजा दक्ष से संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने अपने राज्य में
एक यज्ञ का आयोजन किया। सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, शिव को आमंत्रित नहीं किया। इधर माँ पार्वती कैलाश पर विराज रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि देवी देवता अपने वाहनों से कहीं जा रहे हैं। बस जिज्ञासावश माँ ने शिव जी से कारण पूछा। तब माँ ने कहा, आओ हम भी चलते हैं। और भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना सम्मान को खराब करता है। पर नारी हट के आगे भोले बाबा को झुकना पड़ा और नंदी के साथ गणों के संरक्षण में माँ को रवाना किया। वहां जाकर जब सबका हिस्सा देखा और पति का हिस्सा ना देखा तो माँ को अपमान महसूस हुआ। बस उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने की ठान ली और योग अग्नि से अपने शरीर में अग्नि लगा दी। नतीजा दक्ष का यज्ञ भंग हो गया और हाहाकार मच गया। तभी गणों ने जाकर शिव भोले को सूचित किया। शिव जी क्रोधित हो गए, सिर से जटा का बाल उखाड़कर चट्टान पर मारे और वहीं वीरभद्र नामक घन प्रकट हुआ। उस रौद्र रूप को आदेश मिला कि सबको नष्ट कर दो। बस शिवादेश अनुसार सबका नाश कर दिया गया। दक्ष का सिर कट चुका था। तब शिव स्वयं वहां आए और देवताओं की प्रार्थना पर दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जिंदा कर दिया और स्वयं शंकर मां पार्वती का जला शरीर ले विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने समझ लिया कि इस तरह सृष्टि को नुकसान पहुंचेगा। सती के अंगों को अपने चक्र से काट काट कर धरती पर गिरना शुरू किया। जहां जहां जो जो अंग गिरा वहां शक्ति का शक्ति पीठ बन गया। इस तरह से 52 अंग और 52 शक्ति पीठ। इसका उदाहरण सुरकंडा देवी जहां सती की गर्दन गिरी, इसी प्रकार चंद्र बदनी देवी जहां उनके शरीर का निचला भाग और कुंजा देवी में शरीर के ऊपर का भाग। ये तीनों मंदिर इस क्षेत्र के धार्मिक त्रिकोण हैं और एक दूसरे से अवलोकित भी है। बड़े हिल स्टेशनों की चमक दमक में अक्सर हम उनके आसपास की ज्यादा खूबसूरत जगहों को भूल जाते हैं। सैलानी लोग लोकप्रिय जगहों पर ही आकर अटक जाते हैं। ऐसी ही बात सुरकंडा देवी के मंदिर के बारे में भी है। सुरकंडा देवी का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। दरअसल गढ़वाल के इस इलाके में प्रमुखतम धार्मिक स्थान के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस जगह की अहमियत केवल इतनी नहीं है। यह इलाके का सबसे ऊंचा स्थान है। मंदिर ठीक पहाड़ की चोटी पर है, इसके चलते अब आप ऊपर हों तो चारों तरफ नजर घुमाकर 360 डिग्री का नजारा ले सकते हैं।
केवल इतना ही नहीं, इस जगह की दुर्बलता इसलिए भी है कि उत्तर पूर्व की ओर यहाँ हिमालय की श्रृंखलाएं बिखरी हैं। चूंकि बीच में कोई और व्यवधान नहीं है, इसलिए बाई तरफ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से लेकर सबसे दाहिनी तरफ नंदा देवी तक की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती हैं। यह एक ऐसा नजारा है जो वाकई दुर्लभ है। बस इसी नजारे के लिए इस जगह को मंसूरी, धनौल्टी व चंबा आदि जगहों से भी ही ऊपर आंका जा सकता है। और तो और, सुरकंडा देवी का मंदिर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर और यहाँ बर्फ भी मंसूरी धनौल्टी से ज्यादा गिरती है। मार्च की शुरुआत तक आपको यहाँ जमी बर्फ मिल जाएगी। माँ सुरकंडा देवी को समर्पित मंदिर के अतिरिक्त भगवान शिव एवं हनुमान जी को मंदिर में स्थापित किया है। यह है तिब्बत शैली का मंदिर। यहां सैकड़ों तीर्थयात्री अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। सतीश जी के उसमें है जी, सतीश जी के अंश के टुकड़े टुकड़े हुए थे ना, तो 108 टुकड़े गिरे थे उसमें से, तो उसमें से 51 शक्तिपीठ बन गई थी। तो ये मुख्य शक्ति सिद्धिपीठ है ये सरकंड का सही यहाँ, ठीक है। कौन सा गिरा था ये सरकंड का? सररकंठ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके प्रसाद में दी जाने वाली रौसली की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। इस जगह का महत्व लगभग सभी लोग जानते हैं। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी का मंदिर ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये, तो इसमें इस स्थान पे माता का जो है यहाँ पे सर गिरा हुआ है। यहाँ पे जो है टिहरी गढ़वाल में ही चंद्रबदनी का मंदिर आता है, वहाँ पे बदन गिरा हुआ है। कुंजापुरी का मंदिर है, वहाँ पे कुंज गिरे हुए हैं। जिस तरह से नैना देवी है वहाँ पे आँखें गिरी हुई हैं, और ज्वाला देवी है वहाँ पे जीभ गिरी हुई है। तो इस तरह से माता के पूरे उसमें जो है 51 टुकड़े हो गए थे, और उसी शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ जो है यहाँ पे है, वो माँ सुरकंडा देवी के नाम से यहाँ पे प्रचलित है। सिद्ध पीठों में माँ सुरकंडा का महत्त्वमय सबसे अलग है। देवी सुरकंडा सभी कष्टों व दुखों को हरने वाली है। नवरात्रा गंगा दशहरा के अवसर पर देवी के दर्शनों से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक वर्ष मई महीने के गंगा दशहरा पर्व का आयोजन होता है। और विशेष करके यहाँ पे मेला लगता है, मई जून में मेला लगता है।
जून के महीने में यहाँ पे गंगा दशहरा भी लगता है, और नवरात्रों में यहाँ पे असूज के महीने नवरात्रे होते हैं अक्टूबर में, और चैत्र का महीना में नवरात्रे भी होते हैं। उस समय काफ़ी लोग यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उस समय बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। चंबा प्रखंड का जलधार गांव देवी का मायका है। यहां के लोग विभिन्न अवसरों पर देवी की आराधना करते हैं। मंदिर की समस्त व्यवस्था वही करते हैं। पूजा अर्चना का काम पुजालड़ी गांव के लेखवार जाति के लोग करते हैं। सुरकंडा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी ही रोप वे मिलने वाला है। 2012 से ये तैयार किया जा रहा है। बस इस जगह को देखने के बाद अब हम बढ़ चले एक और तीर्थ की तरफ। तब तक राम राम।